अपने के स्वागत है कार्यक्रम दलान में। अखन हमरा सब के संपर्क में छथि प्रदेश नंबर दू के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी। मंत्री जी, अपने के स्वागत है कार्यक्रम दलान में। धन्यवाद। काल अपने सब के नेता के अपने सब के पार्टी के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के एक अपहरण के शैली में एठाम से ल जाए छे। अपने प्रदेश के गृहमंत्री सेहो छे, यह केहन गृह मंत्री छी अपने सब? आ प्रदेश नंबर दू के सरकार केहन छी? सरकार के जानकारी नहीं होइ छै एक मंत्री बनल लोक के एठाम से एक अपहरण के शैली में ल जाएल जाए छै। मंत्री जी, देखू नवल जी, निश्चित रूप में जे किस्म के ई घटना छै ई दुखद घटना छै और ऐ के संपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति कोई दोसर व्यक्ति नहीं छै, ऐ देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली छै। केपी शर्मा ओली के इशारा में पूर्व आईजीपी लगाइत के टीम सब अबे छे और अपहरण के शैली में पूर्व अहा के स्वास्थ्य मंत्री के उला जाए छे। जखन हमरा जानकारी हुई है तो हम अहा के महोतरी के सीडीओ से एसपी से बात करी छे। सीडीओ एसपी अहा के ओई केस में संलग्न छे। एसपी अहा के होटल गौतम में रहे छे। सब गोटा के होटल गौतम ने अहा के नाश्ता खाए छे, वही दारू पीबी छे आ तेकर बाद वही से काठमांडू के लागी भगे छे। या हम अहा के जखन एसपी के वो और चीज किए अलग किए गेले बड़का चीज नहीं छे। सबसे महत्वपूर्ण चीज छे अखन के संविधान के हिसाब से देखल जाए तो प्रदेश के शांति सुरक्षा आंतरिक मामला कानून मंत्रालय के जिम्मा छे। अये के अहा के जिला सुरक्षा प्रमुख के रूप में रहल सीडीओ और एसपी से हम बात कर छी तो कहे छी वो जानकारी नहीं है। जखन हम अहा के सब किछ पता लगबे लगे छी, हम होटल अहा के गौतम में पुगे छी तो वो हमरा झूठ बात बाज के मंत्री मंत्री जी चाहे गौशाला हुनुहुन्छ हमी संग कुरा गरे छ। जब हम गौशाला जाए छी तो वही टाइम के पीरियड में गौतम होटल से निकल के भगाब के काम करे छी। अखन तो हम गौतम होटल में छी नवल जी और गौतम होटल में हम संपूर्ण अहा के वीडियो सीसी कैमरा जे फोटो छै ओ फोटो सब ले रहल छी। ओ फोटो में सब प्रमाण छै अहा के पैसो एसपी साहब दे छै, ई मोहतारी के एसपी साहब दे छै, ओहिने बैठल छै एक राति। पैसा केकरा दे छै? होटल 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 ने अहा के पेमेंट कर रहल छै। तो ओ सब फोटो हमरा लग छै, ओ सब में हम अनुसंधान में लागल छी। निश्चित रूप से ई बहुत दुखद घटना छै और एहिठाम संघीयता के कमजोर करे वाला, गणतंत्र के समाप्त करे वाला अहा के चाल ऐ देश के प्रधानमंत्री जुड़े हुए छै तो ऐसे ज्यादा ज्यादा घृणित बात और की भ सके। एहन प्रधानमंत्री के एक सेकंड भी ऐ देश में प्रधानमंत्री जैसे गरिमा बैठ पद पर नहीं रहते चाहिए, अखन तुरंत के तुरंत राजीनामा दे देबक चाहिए। अच्छा मंत्री जी, एक बात अपने बड़ा गंभीर बात कहली है जे प्रदेश के शांति सुरक्षा के जिम्मेवारी प्रदेश सरकार लही, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लछे और एठाम के एसपी जे छे से मंत्री से डायरेक्ट झूठ बोल रहल छे। अहां सब कोनो प्रकार के कार्रवाई कर के अवस्था में छिए कि नहीं छिए? देखिए नमल जी, हम सब एहन कच्चा खेल नहीं खेली जे खेल से अहा के कालखाना के दिन में उ सब अहा के उमक के मौका पवे। ते दुआरे प्रदेश के एकटा आंतरिक मामला कानून मंत्री के हैसियत से उ संपूर्ण प्रमाण हम जुटा रहल छी। अखन हम अहा के गौतमे होटल में से हम बाजि रहल छी, हम संपूर्ण अहा के फोटो सब हम ल रहल छी। ओहि में अहा के जे किस्म से और घटना जे शैली में गेले जन्ना गेले ओ अपन बात छै, लेकिन एहि ठाम के एसपी के जे हम बात करै छी तो ओकरा यथार्थ बात कहक चाही। ओ अहा के डॉक्टर सुरेंद्र जोड़े रहे छै, डॉक्टर कौशल जी जोड़े रहे छै और हमरा ओहि के विषय में अहा के गलत जानकारी करी है।
वही के बारे में है कि हमरा अलमलाब के प्रयास करिए, हमरा गलत ढंग से रिपोर्टिंग कर रहा है, जबकि हम कहे कि एक चोटी मतलब वहां संग कूड़ा करा दिन मैं सुने अनुसार वहां चाहे किडनेप में पर्ण भाया था, अभी किडनेप में पर्या था भने उसले छोड़ने पर्ने छोड़ने पर्ने हमारे दायित्व हम जिम्मेवारी होना तो आपने इच्छा ले गई रहे तो वहां को आपने अधिकार हो स्वतंत्रता हो लग्न सकता, लेकिन एसपी है के बार बार झूठ बजलक, जब हमारा ठोस प्रमाण भेट गया कि नहीं वो गतमे होटल ने हम पुनः गतम होटल ने अहा के घूम के लिए कहली कि तब मसंग झूठ बोलने भो तब गतम होटल में हो तब वो स्वीकारलक हम गतम होटल ने तक बाद फिर हमरा से झुटकी बाजल कि गतम होटल ने तो हम तो रही लेकिन हमारा अहा के मान्य कौशल कुमार यादव से भेंट दें वो अहा के दारू पी के एकदम लड़बड़ाइत रहे, लेकिन हमरा मान्य अहा के सुरेंद्र यादव जी से भेंट नहीं भेले, डॉक्टर सुरेंद्र यादव से भेंट नहीं भेले, तेहन किसिम के गैर जिम्मेवारी पूर्वक जो सुरक्षा निकाय सब अगर प्रदेश सरकार के जो शांति सुरक्षा के जिम्मा लेने से वही मंत्री जोड़े झूठ बाजि रहल छे तो ऐसे बड़का विडम्बना किछ नहीं होते, तै दुआरे के पी शर्मा ओली सही समय में कानून बनाकर प्रहरी सेवा संबंधी कानून बनाकर समायोजन संबंधी कानून बनाकर द का आई शांति सुरक्षा के जिम्मा प्रदेश नंबर दू के सरकार के रहते ताई देश में अहा के मात्र में कि विश्व में जो नहसी भ रहा से नाक कटा वाला वाला काम एक प्रधानमंत्री से भ रहा से वो चीज नहीं होते तो के पी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री जी छथिन वो देश के अहा के शांति सुरक्षा प्रति जिम्मेवार नहीं है, अठम के जनता प्रति जिम्मेवार नहीं है, अखुनता उस सत्ता के अहा के लालच में हरेक कुकर्म करक लगी तैयार है। नवल जी अखन के समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से अहा के विश्व में महामारी आयल है, अखुनता सब अपना जनता के सुरक्षा के लागी दिन रात अहोरात युद्ध गति में काम कर रहा है, जैठम अहा के प्रधानमंत्री संसद व्यक्ति जनता के सेवा सुविधा जनता के अहा के रक्षा के लागी नहीं कि वो अपन सत्ता के लागी काम कर रहा है, ऐसे बेसी नलायकपना और की भ सकिए, ऐसे बेसी अनमेच्योरिटी अहा के की भ सकिए, नेकपा जैसन पार्टी के एहन एहन व्यक्ति के तुरंत एहन गरमा में पद से अहा के फेंक देव चाहिए आ जै चीज से वो अहा के अध्यादेश लेने रहे आई वह चीज में फैल भ चुकल थे तो नेतृत्व के आधार पर एक मिनट भी प्रधानमंत्री जैसन गरिमा में पद पर बैठक वो अहा के लाइक लोक नहीं है। अच्छा मंत्री जी एक बात महत्वपूर्ण बात सो अपने झिकली जे कौशल कुमार यादव जे प्रदेश सांसद छथिन ओ अबेर राति धर पत्रकार सबके जब संपर्क में एलखिन त नहीं डॉक्टर सुरेंद्र अपना घर में छथिन सुरक्षित छथिन लोक हल्ला कर रहल छी काठमांडू गेल छथिन या ओहिठाम जे अपने कहे छी सीसीटीवी कैमरा में सोहो ओ छथिन या एसपी के रिपोर्टिंग अनुसार कौशल कुमार यादव ओहिठाम रहलखिन त उनकर गतिविधि त नीक नहीं भेली ना उदा अहाँ के पार्टी के वो तो कल खाना पार्टी वही के डिसीजन करती की करता जना करता वो बात के विषय है, वो विषय पर अन्य विषय सब हो करते अन्य चर्चा चलबे करते, अब आप राजनीति के इतिहास में अब कौन ढंग से दिन के लेल जते या कौन ढंग से करते वो डिसीजन के विषय है। सबसे दुखद विषय की है कि शांति सुरक्षा के जिम्मा लक हम बैठल अहा के एठम प्रदेश के आंतरिक मामला कानून मंत्री से एक सुरक्षा निकाय के जिला प्रमुख अगर झूठ बाजि रहा है तो अठम के अवस्था की रहते, अठम के आम जनता के अहा के शांति सुरक्षा के अवस्था की रहते, अठम के आम जनता के अहा के जो सुशासन के अवस्था थी वो अवस्था की रहते, गंभीर चीज है, गंभीर चीज सोच कर अखुनता निश्चित रूप से हम राति भर सुति नहीं सकली और हम निश्चित रूप से एकता आंतरिक मामला कानून मंत्री के हैसियत से हमरा एकता कड़ा कदम चलवाक चाहिए तो वो कड़ा कदम चालक लगी हम तैयार छी, हम चुप लाइक बैठा वाला लोक में नसन नहीं छी, अठम हम जो जिम्मेवारी ले लिए आ जो जिम्मेवारी के हमरा एकटा कांध पर अहा के जिम्मेवारी एक जनता सब जे हमरा देने है ओकर पूर्ण से पालना करबे आ ओ जनता के सेवा सुविधा और शांति सुरक्षा के मोहाली करवा छथि हमरा जकरा बेर टकराई पड़त हम टकराई के लगी तैयार छी, लेकिन एहन अहा के दंभीनता के हम बर्दाश्त नहीं कर सकै छी। अच्छा मंत्री जी एक और बात एलिए जो बहुत एहन खबर सब आबि रहल छै कि डॉक्टर सुरेंद्र के मिली मतों में उनका लजायल गेल है
और आई ओ अहां सबके संपर्क में छै, वास्तविकता की छै, उनका मिलीभगत में लजायल गेल छै कि वास्तव में जबरदस्ती लजायल गेल छै? देखियो नवल जी, अब डॉक्टर साहब के सेहो अहाँ के स्टेटमेंट चल आयल छै, ओकर इंटरव्यू चल आयल छै, डॉक्टर साहब के इंटरव्यू हम सुनलिए, ओ तो ई नहीं कह रहा छै कि हम अपना मिलो मतो से गेलिए। 81 अहाँ के अबै छै सर्वेंद्र खनाल जी, जे पूर्व आई जी पी छै, एकटा अहाँ के गौरवमय संस्था के एकटा सब सर्वोत्कृष्ट पद पर बैठल लोक छलाह, आ ओकर रिपुटेशन नीके देखल जाय छली, तेहन सन सन लोक के पी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के इशारा में अपराधी शैली में जे आब के काम कर रहल छै, आ एहन दुखद परिस्थिति में जे एते बड़का संक्रमण के अवस्था छै, तै समय में आब के एहिठाम ओकरा घर परिवार के लोक से नहीं बात कर देने छी, से उनके इंटरव्यू में सुन ली हुई, एते तक कि वो उनका जाय के इच्छा नहीं छले, वो कहे छले कि अखन तक कोरोना वायरस के संक्रमण के समय के कारण हम अखन नहीं जाए, लॉकडाउन बाद भेला के बाद में हम जाए, तो ओकरा अहाँ के नहीं प्रधानमंत्री अहाँ से भेटे चाहे रहा है, अहाँ चलू कहकर ओकरा दबावे डक लगल छी, अहाँ के सुरेंद्र जी के इंटरव्यू से अहाँ के जारी हुई छै, ते दुआरे हम ई की कहब कि दबाव नहीं लगल छै, दबाव में नहीं लगल लेते तो सुरेंद्र जी के इंटरव्यू नहीं होते, जब सुरेंद्र जी अहाँ के रात में ओकरा होटल में रखे थे, तो वो भाई के अहाँ के पार्टी के संपर्क में अब तो ऐसे की देखल जाए थे कि दबाव के शैली में लग जाए के काम अहाँ के पूर्व आईजीपी द्वारा भेल थे। अच्छा, दबाव के शैली में लगाल जाए थे, है ना, और एक अखन जे कहल गेलिए जे के पी शर्मा ओली आई मधेश वादी के फोरही के लिए अध्यादेश लेने छे, तो उ अखन जे समाजवादी फूटे के बाद छलिए, सांसद रेणु यादव जी सब जे एक ग्रुप में ग्रुप तैयार करके फोड़ के बाद छलिए, कि उ योजना असफल भ गेले कि अखनो उनका सबके काज जारी छे? अहाँ सबके इंटेलिजेंसी तो हेती ने पार्टी के भीतर में? देखो निश्चित रूप से के पी शर्मा ओली जनता प्रति जिम्मेवार लोक नहीं छे, वो शासन और सत्ता के लागी कोनो भी कुकर्म करे के लागी तैयार छे, तो वो अहाँ के जे जनता प्रति जिम्मेवार नहीं रहे छे, शासन और सत्ता के लागी हर कुकर्म करे के लागी तैयार रहे छे, वो व्यक्ति अहाँ के किछु कर सकिए तो वो ओकर प्रयास जारी रहते, लेकिन अहाँ के समाजवादी पार्टी फुटलिए नहीं, समाजवादी पार्टी आप फिटू नहीं सकिए कि राजपा नेपाल और समाजवादी पार्टी जे एक साल से अहाँ के होमवर्क हो तैयारी के एकीकरण के तैयारी के अवस्था में जाए छलिए, आई वो आई के दिन में वो एकीकरण भ गेलै, ई एकटा उपलब्धि छै, जे किसिम से मधेशी जनता पर दलित जनजाति आदिवासी के उस अहाँ के शासक सब के देख के दृष्टिकोण रही है, और वो सब कहे थे कि हम बहुत आसानी से अहाँ के फोड़ देव, तो आई जे किसिम के झापर लगलिए एक पास, तो वो अहाँ के इतिहास में नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़का ऐतिहासिक दिन के रूप में एक मनायल जते। और नवल जी, हम जानकारी करावे चाहब कि प्रदेश में मर्दू के विभिन्न जिला में आम कार्यकर्ता और नागरिक सब द्वारा दीप प्रज्वलन भ रहल छै, अखुनता के समय में दीप प्रज्वलन भ रहल छै, आ खुशी खुशी अहाँ के मनाब रहल स्थिति छै। अच्छा मंत्री जी, एक बात ऐसे तो ई प्रमाणित भ गेलै ना कि के पी शर्मा ओली जे एक कही त अपना लेल जे अगाड़ी बढ़लै तो आनन फानन में वहां सबके फायदा कर दिलक? देखियो के पी शर्मा ओली अहाँ के कति छै, एकटा कहावत छै अपना सबके बाबा सब कहै छलै है, जे खदिया दोसर लागी खनै छै ओहि खदिया में अपने एक दिन अहाँ के खसै छै, के पी शर्मा ओली ई खदिया दोसर लागी खनल के आइ ओ खदिया में ओ अपने खसली, आइ ओकरा पार्टी के लोक सब ओकरा से अहाँ के राजनामा मांग रहल छै, ओकरा पार्टी के लोक सब के पी शर्मा ओली के अहाँ के दुर्छिया कर रहा है, आई के दिन में जो देखबे तो आम नागरिक नेपाल के नागरिक जो बुद्धिजीवी सब है अहाँ के हरेक आदमी ई के पी शर्मा ओली के कुकर्म के अहाँ के हरेक जगह पर बखान कर रहा है कि एहन असफल एहन अहाँ के कमजोर एहन दूरदर्शी प्रधानमंत्री नेपाल ने पहले बाजी गेलिए, इहो एकटा इतिहास लिखत है, ते किसिम से देखा लिए, ते निश्चित रूप से
दुनू पार्टी एकीकरण के अहाँ के डेढ़ साल से प्रयास हो एकरे कारण से एकीकरण से बात नहीं है नवल जी, अहाँ के दुनू पार्टी के सिद्धांत विचार एक क्षेत्र द्वारे डेढ़ साल से प्रयास हो लेकिन मधेशी जनता के एक किस्म के नकारात्मक दृष्टिकोण से देखे छे और लोग देखे कि मधेशी दल सब हो मधेशवादी दल सब हो तुरंत फूट जाए कर सकती जे किसिम से मैसेज दिए मैसेज के अहाँ के विपक्ष ने मधेशवादी दल सब एक उदाहरण पेश कल किया आ देखा दिल्कि कि तू थोड़ के प्रयास करे तो हम जुट के काम करो आ तोरा जोरदार थप्पड़ तोरा लगतो आ के कारण तो आई इतिहास के नेपाल के इतिहास ने सबसे नलायक प्रधानमंत्री के रूप में रहे और वो आई के दिन में साबित कर दिल किया जी। और अंत में अपने के किस कह के हम निश्चित रूप से संपूर्ण प्रदेश नंबर दो के आम नागरिक सबसे निवेदन करना चाहते और समाजवादी और राजपा के हरेक तबका के नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक सबसे हम अनुरोध करना चाहब कि आज के दिन हमरा सब लागी बहुत महत्वपूर्ण दिन से आई के दिन जे हम सब अधिकार और पहचान के लागी हम सब जे आंदोलन के लिए वही के आ के साकार हुई के दिन के रूप में दिखाई दे छे ते द्वारे संपूर्ण साथी सबसे हम अनुरोध करा चाहब कि अपन अधिकार और पहचान के लागी एकजुट भकर हम सब जे अखुनता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अपना भेलिए हम सब मजबूत बनबे गाड़ी बढ़ा दी और देश में वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में हम सब स्थापित करी इस जिम्मेवारी नेपाली जनता सब हमरा अहाँ के कांध पर दिलक ते द्वारे एक पूरा करबनाए हमरा अहाँ के फर्ज जिम्मेवारी है तही से गंभीरता पूर्वक अगाड़ी बढ़ के लगे हम संपूर्ण नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक सब ने अनुरोध करे चाहब जी। धन्यवाद अपने समय दिलौता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।